जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो इस वक्त कंपनी लॉ का गेस्ट पेपर है उसमें जो पहला सवाल आया हुआ है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आया हुआ है। कंपनी लॉ के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स को लेके और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कंपनी अपने जो भी जो उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है अपनी बिजनेस का उसको अचीव करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाएगी, उसके डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, उसके डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस तरह से होंगी, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग्स किस तरह से होंगी, उसका कोरम कैसे होगा, इंटरनल डिस्प्यूट्स कैसे होगा हैंडल होंगे और अकाउंट्स कैसे मैनेज होंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी जाती हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेजरली 5 चीज़ें हैं जो ज़रूर लिखनी होती हैं। सबसे पहले एक कंपनी का नेम कि आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप उस कंपनी का नाम जो भी आप सजेस्ट करेंगे उसके एंड पे आपने उसको पब्लिक लिमिटेड लिखना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एंड पे ये होता है कि वो उसके 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, एक तो सिंगल मेंबर कंपनी होती है और एक दूसरी कंपनी होती है जो सिंपल प्राइवेट कंपनी होती है। तो इन दोनों के नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड आता है, बी एट SMC प्राइवेट लिमिटेड, बी एट सिंपल प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी क्लॉज में आ जाती है कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, यानी जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो किस सिटी में लोकेटेड होगा, ये दूसरी क्लॉज होती है। थर्ड क्लॉज में आ जाता है कि एक कंपनी के अंदर और जो जो वो बिजनेस करना चाह रही है उस बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, बेसिकली उस बिजनेस की डिस्क्रिप्शन को ही ऑब्जेक्ट क्लॉज कहते हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होती है ये हमने एट लेंथ लिखना होता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर अब तक तो ऐसा होता रहा है हमारे पास और हमारी जितने भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज बनती रही हैं 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर, उसमें ये होता था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज लिख दी जाती थी लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते थे, यानी एक कंपनी बहुत सारी डोमेन्स के बिजनेसेस को देख रही होती थी। लेकिन अब इन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा ऐसी लिखना होता है कि एक कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर अब तक तो ऐसा होता रहा है हमारे पास और हमारी जितने भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज बनती रही हैं 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर, उसमें ये होता था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज लिख दी जाती थी लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते थे, यानी एक कंपनी बहुत सारी डोमेन्स के बिजनेसेस को देख रही होती थी। लेकिन अब इन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा SECP ने, जो कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन कमीशन है, उसने थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है और अब वो ये कहते हैं कि आपने जिस कंपनी का एक रेलिवेंट बिजनेस रखा है, जो एक बिजनेस रखा है, आप फील्ड चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसी के अंदर जितनी इनोवेशंस लाना चाहते हो आप लेके आओ लेकिन आपकी फील्ड चेंज नहीं हो सकती। तो ये होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आपने ये भी लिखना है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी के पास पावर्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या कुछ कर सकती है, वो लोन ले सकती है, वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है या नहीं। और डिबेंचर्स एक सेपरेट टॉपिक है, उसको मैं सेपरेट कवर करूँगी, ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर होता है, ये प्राइवेट कंपनीज़ के नहीं होते। क्रेडिट ले सकती है या नहीं ले सकती, प्लेज कर सकती है या नहीं, लियन मार्क करवा सकती है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, नहीं करवा सकती, चार्ज क्रिएट कर सकती है कंपनी के एसेट्स के ऊपर या नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर लिखी हुई होती हैं और ये भी ऑब्जेक्ट क्लॉज का हिस्सा होती हैं। फिर आ जाती है हमारी शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग क्लॉज के अंदर हमने ये लिखना होता है कि हमारे जो कितने परसेंट कितने डायरेक्टर्स हैं या कितने प्रोमोटर्स हैं जो उस कंपनी को प्रोमोट कर रहे हैं। हम लोग जनरल लीगल जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और हम ये गलती करते हैं कि हम प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स का फ़र्क नहीं समझते। डायरेक्टर एक बनी हुई कंपनी के अंदर अपॉइंट होने वाला या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर को डायरेक्टर कहते हैं। प्रोमोटर वो होता है जो उस कंपनी के आइडिया को कंसीव करता है
और वो उस कंपनी को की फॉर्मेशन को और उस कंपनी को रजिस्ट्रार के सामने ले जाके प्रमोट करता है। ये कहने को ये सिर्फ बात है, एक्चुअली में ये इस तरह से नहीं होता कि कुछ लोग जाके उसको प्रमोट करेंगे, बट वो जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको प्रमोट करना ही असल में आपका कंपनी को प्रमोट करना है। हमने ये लिखना होता है कि कौन कौन से प्रोमोटर्स हैं और प्रोमोटर्स की डिटेल्स लिखनी होती हैं, और फिर हम लोगों ने एक और क्लॉज डालनी होती है कि हमारा कैपिटल कितना होगा, शेयर कैपिटल कितना होगा, पेड अप कितना होगा उसके अंदर और कितना अनपेड होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल हमने टोटल लिखना होता है, पर शेयर कितने शेयर्स होंगे ये भी उसी क्लॉज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर को डायरेक्टर कहते हैं। प्रोमोटर वो होता है जो उस कंपनी के आइडिया को कंसीव करता है और वो उस कंपनी को की फॉर्मेशन को और उस कंपनी को रजिस्ट्रार के सामने ले जाके प्रमोट करता है। ये कहने को ये सिर्फ बात है, एक्चुअली में ये इस तरह से नहीं होता कि कुछ लोग जाके उसको प्रमोट करेंगे, बट वो जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको प्रमोट करना ही असल में आपका कंपनी को प्रमोट करना है। हमने ये लिखना होता है कि कौन कौन से प्रोमोटर्स हैं और प्रोमोटर्स की डिटेल्स लिखनी होती हैं, और फिर हम लोगों ने एक और क्लॉज डालनी होती है कि हमारा कैपिटल कितना होगा, शेयर कैपिटल कितना होगा, पेड अप कितना होगा उसके अंदर और कितना अनपेड होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल हमने टोटल लिखना होता है, पर शेयर कितने शेयर्स होंगे ये भी उसी क्लॉज के अंदर लिखने होते हैं और इसको कैपिटल क्लॉज कहते हैं। कैपिटल क्लॉज के अंदर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, पर शेयर कितनी वैल्यू होगी और कंपनी के टोटल शेयर्स होंगे कितने, ये सब लिखना होता है। फिर जब हम नेक्स्ट क्लॉज में आते हैं, शेयर होल्डिंग की क्लॉज में, शेयर होल्डिंग स्लैश प्रमोशन क्लॉज में जब हम आते हैं तो उसके अंदर हमने ये चेक करना होता है कि कितना पेड अप कैपिटल है, यानी कितने जो आउट ऑफ टोटल शेयर्स हैं कंपनी के वो इशू कितने हुए हैं और उन सब प्रोमोटर्स ने कितने शेयर्स अपने पास वो रखवाए हैं। ये हमारी लास्ट आती है क्लॉज आती है, और उस क्लॉज के बाद हमारा सब्सक्राइबर्स पेज आता है। सब्सक्राइबर, प्रोमोटर और जो फॉर्मेशन डायरेक्टर्स होते हैं ये सिमिलर लैंग्वेज है। सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो कंपनी की इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं। जिस लफ्ज़ को बिजनेस लैंग्वेज में प्रोमोटर कहा जाता है उसको लीगल लैंग्वेज में सब्सक्राइबर कहा जाता है, और उसको आप आसान करके कह लें तो आप उसको फॉर्मेशन डायरेक्टर्स कह सकते हैं। अब उन डायरेक्टर्स के नंबर्स क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, ये हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि पब्लिक कंपनी के अंदर मोर देन 2 persons होने चाहिए, मिनिमम 3 लोग होने चाहिए और 3 से ऊपर उसके डायरेक्टर्स होने चाहिए, और सेम इज़ द केस विद द प्रोमोटर्स। और हमारा जो दूसरा प्राइवेट कंपनी आती है उसके मिनिमम हमारे पास 2 directors होने चाहिए और मैक्सिमम ये नंबर 50 होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो टोटल हमारे पास नंबर्स आते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कुछ बेसिक्स हैं जिनके से रिलेटेड जो मैं आपको मैक्सिमम क्यूरी समझा सकती हूँ वो ये हैं। हम इसको एट लेंथ पढ़ेंगे जब हम इस पूरे चैप्टर का या पूरे टॉपिक का एक स्पेसिफिक लेक्चर में आएंगे, लेकिन अभी के लिए आई थिंक आपको गो टू टिप्स ये काफ़ी मिल गई होंगी। थैंक यू सो मच।